सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को नई सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार तक विभागों का आवंटन तय किया जा सकता है, क्योंकि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 14 मंत्रालयों की पेशकश की गई है और बाकी 28 विभाग भाजपा के पास होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को नई सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की। बगावत के वक्त साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों को एकनाथ शिंदे अपने में समायोजित करना चाहते थे। एकनाथ शिंदे के गुट के एक नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने समस्या ये है कि कुल 40 विधायकों में से 9 पिछली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे और इस तरह वो नई सरकार में अधिक से अधिक विधायकों को समायोजित करने के लिए अधिक विभागों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे संकेत है कि भाजपा द्वारा गृह, वित्त, राजस्व, सहयोग और विपणन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास जैसे विभागों पर दावा करने की संभावना है, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन और स्कूली शिक्षा विभाग मिल सकते हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।